यादव जी के बेटा का हाल था? तो आम्रपाली जी मेरे साथ कितना गलत की। पहले बोलते शादी कर लो शादी कर लो, एक शादी और कर लो, लड़ लड़ के शादी कराई, शादी होने के बाद फिर लड़ने लगी। मतलब मेरा नशा है उसको। ओ माय गॉड। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं पिंटू आर्यन आपका भाई, और आप देख रहे हैं जोश बिहार। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि जोश बिहार में मैं लगातार आप लोगों के लिए भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ की खबर लेकर आता हूँ। दोस्तों मैं बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ बहुत ही बहियात होते जा रही है। आप लोग इस वीडियो को देखिए दोस्तों, मैं बातें कर रहा हूँ। ये देवी नहीं है, पहले सिचुएशन में डालती है कि तुम फंसो, उसके बाद खून पीती है। कितना गाय लड़का है, बोला शादी कर लो तो कर लिया। बाप रे, नहीं मना किया। दुनिया में कौन सा अजूबा है कि कोई आदमी अपनी बीवी के अलावा किसी और की बात कर ले तो भी वो नोच के खा जाए। ये बताइए ना, ये क्या होता है? एडिक्टेड आम्रपाली फैन। मतलब मेरा नशा है उसको। ओ माय गॉड। क्या है गलत बात है ना? आप लोग सोचो आम्रपाली जी मेरे साथ कितना गलत की। पहले बोलते शादी कर लो शादी कर लो, एक शादी और कर लो, लड़ लड़के शादी कराई, शादी होने के बाद फिर लड़ने लगी, और दोनों लड़के एक हो गए। मुझे घर से बाहर नहीं मिला। कितना गाय लड़का है, बोला शादी कर लो तो कर लिया। इस वीडियो को देखा, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो सबसे पहले आपको जोश बिहार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। हालांकि मैं बता दूं कि नीरहुआ और आम्रपाली पाली का जो अंदर की जो बात है किसी से छुपा नहीं है, लेकिन इस तरह से अगर करने से हमारे समाज में जो भी लोग मैसेज देते हैं, क्या ये सही है? दोस्तों मैं बता दूं कि ये लोग अभी तक शादीशुदा नहीं है, और इस तरह का बिहेवियर करते हुए इन लोगों का हरकत जो है बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को ख़राब करने के लिए है, और ये हमें संदेश देती है कि आगे चल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों के लिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से दूर रखने का प्रयास करती है दोस्तों। हालांकि मैं बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज एक खिलवाड़ है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में पर्टिकुलर कुछ ही स्टार बन सकते हैं, सब कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि एक इन लोगों के ऊपर मोहर ठप्पा लग चुका है कि ये लोग ही स्टार रहेंगे, कभी भी दूसरा कोई नहीं बन सकता है दोस्तों। हालांकि इस तरह का वीडियो लगातार आप लोग सोशल मीडिया पर देखने के लिए नहीं मिलते होंगे। हम आप लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्री से सच्चाई से मिल जुड़वाएंगे दोस्तों। आपको सबसे पहले हमारे साथ देने के लिए जोश बिहार चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना होगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप तक पहुँचे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आगे का वीडियो, बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब किसी को समझ में आए कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज की सच्चाई। तब तक के लिए जय हिंद।